तो गाइस सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को ये न्यूज़ मैं सुबह दे रहा हूँ जबकि ये कल रात ही आ गई थी। एक्चुअली क्या था, मैं कल रात फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बिजी था, तो खैर छोड़ी उस चीज बात को, ठीक है। अब मैं आपको न्यूज़ देता हूँ। देखिए, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, चाहे वो सोल से हो, रेगुलर हो या एनसी वेब हो, तो उनके अब किसी भी तरीके के एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस में भाई फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए और एनुअल मोड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बातें कही गई हैं, बट उन सबको ऑलरेडी पता ही होगी ये सारी बातें, इस वजह से हम उनके बारे में बात नहीं करते, सिर्फ बात करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की। तो देखिए भाई, सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के ना ही अब ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ना ही अब ऑनलाइन एग्जाम होंगे, किसी तरीके के एग्जाम नहीं होंगे। बस आपके होंगे असाइनमेंट होंगे, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन, आपसे असाइनमेंट बनवाए जाएंगे और उसी के बेस पे आपको पास करा जाएगा। तो भाई एनसी वेब वाले और रेगुलर वाले बच्चे तो ऑलरेडी असाइनमेंट बना रहे होंगे, ठीक है, बट सोल वाले जो बच्चे हैं उनको असाइनमेंट की अभी डेट आई नहीं है, गाइडलाइंस नहीं आई है, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं ये सब चीज़ें अभी नहीं बताई गई हैं। बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे नोटिस और आपको टाइमली सारी न्यूज़ में प्रोवाइड करा दूँगा, तो टेंशन मत लेना, सब कुछ बताऊँगा और साथ ही साथ आपको जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैं इस टाइम फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के करा रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर वालों के इस टाइम चल रहे हैं असाइनमेंट, तो उन्हें सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे हैंड रिटन सोल्ड असाइनमेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट जो है सारे प्रोवाइड कराऊंगा, तो बेफिक्र हो गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपकी मार्क्स की, आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। भाई मार्क्स जो है आपके 50% आपके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे और 50% आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस था, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपने एग्जाम दिए हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था उसके बेसिस पे दिए जाएंगे। तो आपको आपके मार्क्स भी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बस यही छोटी सी ऑफिशियल न्यूज़ थी। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे, भाई असाइनमेंट क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है, ये सब के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारे सोल्ड असाइनमेंट जो है टाइमली प्रोवाइड हो सके। तो बस यही छोटी सी न्यूज़ देनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।